राष्ट्रीय सेविका समिति डीडवाना द्वारा गुरुवार को डीडवाना शहर में मातृवदन पथ संचलन निकाला गया। समिति की मीना श्रीमाली ने बताया कि स्थानीय पंडित बचराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर में कार्यक्रम 3 बजे से शुरू हुआ, जिसमें सभी बालिकाएं एवं वित्त महिलाएं कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और उद्बोधन के बाद में पथ संचलन पंडित बचराज व्यास स्कूल से आरम्भ किया गया। कार्यक्रम उपरांत घोष की ताल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए संचलन सुभाष चंद्र सर्किल अजमेरी गेट कुंजड़पारा होते हुए चोकड़ा भेरूजी सदर बाजारी नागौरी गेट अशोक स्तंभ बस स्टैंड पेट्रोल पंप फव्वारा सर्किल मीर्धा पार्क के पीछे से होते हुए पुरानी गोपाल गौशाला होते हुए गाड़ाबास स्थित नवीन गोपाल गौशाला में पथ संचलन का समापन हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों माताएं बहनों ने भाग लिया। एक ही गणवेश में घोष की ताल पर मिले सैकड़ों कदम से कदम। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रमुख संचालिका शांता जी अक्का का डीडवाना प्रवास रहा। डीडवाना में पहली बार प्रमुख संचालिका का प्रवास मिला है। कार्यक्रम में राजस्थान क्षेत्र की क्षेत्र कार्यवाहिका एवं जोधपुर प्रांत कार्यवाहिका डॉक्टर सुमन जी, प्रांत प्रचारिका ऋतु शर्मा भी उपस्थित रहीं।